दो, बाहर निकलो, छोड़ दो। अरे एक फोटो कॉपी, क्या हुआ? उन बदमाशों को तुम देख नहीं रही हो वहाँ पे? हाँ देखा मैंने, तो क्या हुआ? तुमने मार्शल आर्ट सीखी है तो तुम उन बेचारों की मदद नहीं करोगी? तुमने देखा नहीं उनके पास ड्रैगन तलवार है? ड्रैगन तलवार? मतलब उन्होंने ड्रैगन गैंग को भी लूट लिया है? हाँ ऐसा ही हुआ होगा। जाने दो। ये तो बहुत बुरी बात है। चलो कहीं तुम मारे ना जाओ। मारो, अरे मारो इसे, मारो, ये कौन है? मारो, मारो इस साले, मारो, अरे आंगन झगड़ा दिया था, मारो, मारो, जोड़ दो, कुत्ते की बहुत मारो साले को, बचाओ, जई मामा, पापा, पापा, चलो चलें। जरा रुकिए सर, आपका शुक्रिया, हमें बचाने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। फिर मिलेंगे, अलविदा। फिर मिलेंगे, अलविदा। जई हाँ? हमेशा याद रखना कि हम मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस दूसरों को न्याय दिलाने के लिए करते हैं। पापा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, मैं भी आपके जैसे लोगों की जान बचाऊंगी। चलो अपनी जान से हाथ धोना चाहती हो? रुक जाओ, अब तू कौन है? मिस्टर तांग, लहराता ड्रैगन दल जाना माना नाम है। मुझे लगता है आप इस दल के मुख्य नेता हैं। हाँ वो तो बिल्कुल मैं हूँ। कोई दिक्कत है क्या? ये बग्गी इतनी तेज जा रही थी कि इसने हमें टक्कर मार दी, हम वही बात कर रहे थे। तुमको इससे क्या लेना देना है? ओह, मुझे हमेशा से जानने की इच्छा थी कि ड्रैगन दल कितने ताकतवर हैं। नसीब से हमारी मुलाकात यहाँ हो गई। मिस्टर तांग, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और ये कॉम्पिटिशन कभी और कर लेंगे। मुझे लगता है ठीक रहेगा ना, क्या कहते हैं? अलविदा। चलो 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 यहाँ से। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए चलिए बाहर जाइए, जाइए जाइए। मुझे उस लड़के को ढूंढना है। अरे ठीक है, जाइए बाहर जाइए, अभी वक्त नहीं है, जाइए बाहर जाइए, मैंने कहा ना बाहर जाइए। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मिस्टर तांग मदद। नमस्ते, ये तुम्हें क्या हो गया है? हम ठीक हैं। मुझे एक सवाल है, तुमने उसके हाथ क्यों बांधे हैं? तुम्हें क्या लेना है, ये हमारा पारिवारिक मामला है। पारिवारिक मामला? जरा रुको, ये कौन है? मेरे पति हैं।
पति हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है। मुझे तो लगता है हमें कुछ देर तक यहीं रुकना होगा। सुनो, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पति ने बहुत बड़ी गलती की है अपनी जिंदगी में। अब देखो ना, उनके हाथ और पांव तो दोनों बंधे हुए हैं, वो बात भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? मुझ पर नजर रखने से कोई फायदा नहीं होगा। वो एक पुरानी कहावत है ना, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। मेरे ख्याल से तुम्हें भूख लगी होगी, हम लोग यहाँ पर बहुत देर से हैं। ये खा लो। ये लो, तुम भी खा लो। बताओ, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? क्या ये वही लड़की है जिसने तलवारबाज वेन लूलिन को मारा था? तुम चिंता मत करो, वो नहीं उठेगी कुछ देर तक तो। ए, तुम क्या कर रही हो? मुझे जाने दो। तुम दुनिया के सबसे बड़े तलवारबाज हो, तो फिर मुझे ऐसे बेहोश करने की जरूरत क्यों पड़ गई? आखिर तुमने अपना रंग दिखा ही दिया। हा? सुनो, ए, ए, मेरी बात सुनो, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। सुनो, अरे मुझे जाने दो, मेरी बात सुनो। उसे नक्शे का दूसरा हिस्सा भी मिल गया है, अब वो जरूर ड्रैगन तलवार ढूंढेगी। जितनी जल्दी हो सके हमें उसे ढूंढना होगा। याद रखना, उसे मारकर नक्शा लेकर आना है।
नक्शा मेरे हवाले कर दो। नक्शा, तुम्हें हिंद तिंगिल ने ऐसा करने कहा ना? पीछे हटो, नहीं तो इसे मार दूंगी। तुम हीन मंगवई नहीं हो। रुक जाओ, मैं टैंग यीजुन, दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज। नाम तो सुना ही होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे भी उस लड़की को मारना है। मुझे यहाँ से छोड़ दो, हम साथ में लड़ सकते हैं। तो मुझे डर है कि हम एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे। तुम सब के सब आज रात यहीं मरोगे। जो तुम हमारे नजर में आयो, हम पहले तुम्हें मारेंगे। आपका शुक्रिया, हमें बचाने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया आपका। लो ये तुम ले लो। फिर मिलेंगे। अलविदा। 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 सुनो, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? तुमने सुना नहीं, हम सबको मार डालेंगे। और मैं नहीं चाहती कोई निर्दोष मारा जाए। क्या तुम वाकई तलवारबाज हो? हाँ, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है, शायद अगली बार। रुक जाओ, रुको। अब बताओ कौन हो तुम? मैं शुजा हूं, ही तिंगले का छात्र हूं मैं। तो उनका बेटा होने का दिखावा क्यों कर रहे थे? क्यों सब कुछ सहा? मैं एक लावारिस हूं। अगर ही तिंगले दाखिला नहीं देते तो शायद उस वक्त मैं भूख से मर ही जाता। वो बहुत दयावान इंसान है, मैं उनके बेटे को यूं ही मरने नहीं दे सकता। पागल।